चढ़ा दो भाई, थार चढ़ा दो ऊपर। हे गाइस, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आया हुआ हूँ लद्दाख की कैपिटल सिटी लेह में, और ये है मेरे हाथ में मेरा निंटेंडो स्विच ओलेड वाला वेरिएंट, जो हमने आज से 4-5 महीने पहले खरीदा था दिल्ली पालिका बाजार से। और ये होने वाली है भाई अ डे विद निंटेंडो स्विच ओलेड की वीडियो, जिसमें मैं पूरे दिन इसको यूज़ करूँगा। इसके कुछ आपको फीचर्स बताऊँगा, गेम खेल के दिखाऊँगा, कुछ अच्छाइयाँ बताऊँगा, बुराइयाँ नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी बुराइयाँ मैं बता चुका हूँ। लेकिन हाँ, बैटरी का टेस्ट अच्छे से हो जाएगा कि फुल चार्ज होने के बाद कितने घंटे इसकी चार्जिंग चलेगी, और फिर कितने घंटे में ये 0 से 100 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में तो भैया बैटरी ज़्यादा मैटर करती है ना। तो निकलते हैं भाई स्विच के साथ और अपनी थार के साथ। इंडिया में ना आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं निंटेंडो के, एक है निंटेंडो स्विच लाइट, दूसरा है निंटेंडो स्विच, और तीसरा है भाई निंटेंडो स्विच ओलेड, जो लेटेस्ट वाला है। मेरे पास ओलेड वाला ही है। प्राइस की बात करें तो ये अमेज़ोन पे आपको 38,000 के आसपास मिल जाएगा। ऑफलाइन थोड़ा सस्ता मिलता है, तो मैं अमेज़ोन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना, हो सकता है कोई सेल वेल चल रही हो आपको सस्ता मिल जाए। और जो निंटेंडो स्विच है ना भाई, वो बहुत सस्ता है, 24-25 हज़ार रुपये का सिर्फ। और दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ डिस्प्ले का। इसमें आपको ओलेड डिस्प्ले मिलती है, तो थोड़े से दिखने में गेम्स अच्छे लगेंगे, बाकी परफॉर्मेंस वाइज भाई बिल्कुल सेम है दोनों, तो 10-12 हज़ार रुपये का फ़र्क है। अगर पैसे है तो ओलेड ले लो, नहीं है बजट इतना तो 25 हज़ार में अपना नॉर्मल वाला स्विच ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें भी। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि भाई ये पोर्टेबल है, मतलब आप देख रहे हो इतने से बैग में इसका सारा सामान आ गया, चाहे इसके चार्जिंग डॉक हो, इसका चार्जर हो, चाहे इसका कंट्रोलर हो, चाहे इसकी गेम्स हो, चाहे इसका मेन अपना निंटेंडो हो। और यहाँ पर ये एक पाउच बना हुआ है जिसमें मैंने सारे गेम्स कार्ड भी रखे हुए हैं, तो सिर्फ इतना सा बैग आपको कैरी करना है ट्रैवल करते वक्त, मस्त हो जाएगा बिल्कुल। और अगर आप इतना भी बैग कैरी नहीं करना चाहते ना, तो नॉर्मल अपना एक निंटेंडो उठाओ और इसका चार्जर उठाओ, काम बन गया। और पोर्टेबिलिटी की बात करें ना, तो होटल रूम में बेड पे लेटे लेटे आप गेम खेल सकते हो, सुबह सुबह पेट खाली करते टाइम भी आप मस्त गेमिंग कर सकते हो। अरे नीचे नहीं जाना, ऑब्वियसली शावर लेते लेते तो नहीं यूज कर सकते, बट वाव स्किन साइंस का उपटन बेथिंग बार जरूर यूज कर सकते हो। चलो जी, नहा धो के रेडी हो गया हूँ। और जो मैं आपको बता रहा था ना वाव स्किन साइंस के उपटन बेथिंग बार के बारे में, ये मैं भाई काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये बार बना है चिकपी फ्लोर, सैंडलवुड ऑयल, सैफ्रोन एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट से, जिसमें से चिकपी फ्लोर हेल्प करता है स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करने में, साथ ही साथ स्किन स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने में। सेकेंड है सैफ्रोन, जो हेल्प करता है स्किन टोन ब्राइटन करने में। एंड थर्ड टर्मरिक हेल्प करता है सूथ करने में इरिटेटेड स्किन को। इस बेथिंग बार की बेस्ट चीज है कि ये बहुत ही माइल्ड है आपकी स्किन पर, एंड ये बेथिंग बार आता है pH 5.5 के साथ, जो आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा है एंड मेंटेन करता है स्किन के पीएच लेवल को। और साथ ही साथ ये स्किन फ्रेंडली तो है ही भाई, इसलिए आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल फील कराता है। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू रिपेयर स्किन डैमेज। ये बेथिंग बार हेल्प करता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करने में एंड सपोर्ट करता है स्किन रीजनरेशन में। अच्छा, सबसे अच्छी बात, ये बेथिंग बार सोप फ्री नॉन ड्राइंग प्रोडक्ट है, जो कि हेल्प करता है डीप क्लींजिंग में स्किन के नेचुरल ऑयल को मेंटेन करके, साथ ही साथ स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है एंड रीजेनरेट करता है आपकी स्किन को, साथ ही साथ एनहेंस करता है स्किन रेडियंस को भी। ये डल स्किन को रिवाइव करता है एंड आपको एक रिफ्रेशिंग फील भी देता है। ये बेथिंग बार बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, यूजुअली जितने बार्स होते हैं ना वो पानी में गीला होते हैं, सॉफ्ट या क्रैक हो जाते हैं। आप इस बेथिंग बार का ना पीएच वैल्यू चेक कर सकते हो, इस प्रोडक्ट के अंदर एक स्ट्रिप आती है, उसको आप गीले बार के ऊपर फ्यू सेकंड्स के लिए रखो कलर चेंज होने तक, एंड कलर मैच कर सकते हो बॉक्स पे दिए गए पीएच वैल्यू स्केल को देखकर, ताकि आपको प्रोडक्ट की पीएच वैल्यू पता लग सके। तो इस प्रोडक्ट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। साथ ही साथ स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा होगा अनमोल Jaiswal 20, ये अगर आप वाव की वेबसाइट buywow.in पर यूज करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई देर किस बात की, बी वाव नेचुरली। इसके अलावा मेरी तरह गार्डन में बैठ के नेचर के मजे लेते लेते GTA या फिर ऐसी कोई भी गेम खेल सकते हो। तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी, सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो दिन की शुरुआत हम खाने से कर रहे हैं अपने, खाना भाई हमने ऑर्डर कर दिया, बट उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बोर होने से बेटर निंटेंडो में गेम ही खेल लो। अभी जैसे मेरी टीम बाहर गई हुई है भाई शूट करने के लिए, तो मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो सोचा माइनक्राफ्ट खेल ली जाए। या फिर कभी कभी क्या होता है पहाड़ों में ना भाई, ऐसे लंबे जाम लगते हैं ना लैंडस्लाइड या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से, कि दो दो तीन तीन घंटे आप एक ही जगह पे खड़े रह जाते हो, तो उस टाइम भी भाई निंटेंडो बड़ा साथ देता है मेरा। हाँ ये है, चलाते वक्त नहीं खेलना चाहिए ऑब्वियसली, जब आपको पता है कि गाड़ी नहीं चलेगी ज्यादा आगे, तब साइड में लगाओ और मस्त गेमिंग करो। अभी मैंने अपने निंटेंडो में GTA ऑन कर दिया, और लद्दाख में ना यहाँ पर लोकल्स को दिखाते हैं अपना ये डिवाइस और उनकी राय पूछते हैं। तो यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं, की हालचाल भाई साहब? बढ़िया जी बढ़िया। क्या नाम है आपका? चिमकांडी। तो चिमकांडी भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर है, तो ये हम ना दूसरे प्लैनेट से एक डिवाइस लेकर आए हैं। आपने यहाँ पे मोबाइल फोन तो देखा ही होगा, ये उसी का बड़ा वर्जन है। जब दो मोबाइल फोन रात को साथ रह गए थे तो ये सुबह पैदा हुआ था। अच्छा, कैसा लग रहा है देखने में? लग तो बढ़िया रहा है। तो आप खेलो थोड़ा गेम खेल के देखो जो खेल सकते हो। इसमें गेम भी चलती है? बिल्कुल बिल्कुल, गेमिंग के लिए ही है ये।
देख सकते हो भाई लोग कितना पसंद आ। अबे कहाँ गए वो भाई, भाग रहे हैं तो वो भाई बड़ी मुश्किल से पकड़ा। हाँ जी क्या भाई साहब क्या है? भाई मुझे बढ़िया लग रहा था ये। तो बढ़िया लग रहा है तो चुरा के थोड़ी भागोगे भाई, तो क्या करता है। चलो भाई पुलिस को पकड़ाते हैं इनको, क्या नाम था, चिमकांडी जी को। और यार जब भी हम पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो मेन फैक्टर डिपेंड करता है स्क्रीन की क्वालिटी कैसी है। अब जैसे कि ये ओलेड वाला वेरिएंट है तो नो डाउट भाई रेजोल्यूशन काफी अच्छा है, बट अगर आप धूप में इसको बाहर खेल रहे हो ना, तो इतनी ज्यादा ब्राइटनेस स्क्रीन की नहीं है। फिलहाल तो अभी शाम हो गई है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, अच्छा खासा है मतलब शाम के टाइम। बस दोपहर में थोड़ा सा दिक्कत होती है, आई होप थोड़ी ब्राइटनेस क्वालिटी और ज्यादा बेहतर हो जाती ना, तो फिर आप मस्त गेमिंग कर सकते हैं। बट यार फिर ऑब्वियसली बात है धूप में इतना कौन ही खेलेगा ना बैठ के। तीसरी चीज भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना, तो वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ लगता है, बट एक्चुअल में कैसा है ये झेल पाएगा या नहीं हमारी तड़कती भड़कती थार को, वो ट्राई कर लेते हैं। इसका एक क्रैश टेस्ट हो जाएगा, थार का टायर ऑफ रोडिंग वाला है वैसे भी, तो इसके ऊपर जब चढ़ेगा अगर ये बच गया भाई तो मजे से आ जाएंगे। चढ़ा दो भाई थार, चढ़ा दो ऊपर। तो भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाले, थार का टायर है भाई ये, इसमें कुछ मर्जी रख दो वो सब टूट जाएगा। वैसे बिल्ड क्वालिटी नो डाउट भाई ठीक ठाक है, बट स्क्रीन गार्ड इसका जरूर ले लेना अमेजोन से। मैंने ये गलती कर दी कि स्क्रीन गार्ड नहीं लगा रखा, इसलिए बैग में रखने की वजह से ना छोटे छोटे स्क्रैचेस आ गए हैं, तो वो गलती मत करना आप बिल्कुल भी। निंटेंडो का ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि छोटे से डिवाइस में ना आपको कंसोल लेवल गेमिंग मिल जाती है, जैसे कि सैन एंड्रियास है, माइनक्राफ्ट है, क्रिकेट 19 है भाई, वाई सी टी है, GTA 3 है, फीफा 22 है, लेटेस्ट वाली मारियो ओडिसी है, WWE 2K18 है, मोर्टल कॉम्बैट 11 है। हालांकि ये गेम्स तो सारी कंसोल वाली है, बट थोड़ी सी आपको ना ग्राफिक्स में डाउन दिखेगा, मतलब ऑब्वियसली PS4 PS5 में बहुत तगड़े ग्राफिक्स मिलते हैं, उतने तो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। बट जो मेन मेरे को एक डाउन साइड लगता है ना, वो है भाई ये गेम्स ना बहुत अटकती है, मतलब हम लैग हो जाती है बीच बीच में, ग्राफिक्स काफी अटकते हैं, तो वो थोड़ी सी ना ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए निंटेंडो के लिए गेम्स की स्पेशली, ताकि हमारे जैसे लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहे पोर्टेबिलिटी के साथ साथ। अच्छा पूरे दिन तो हम भटक लिए बाहर और निंटेंडो के साथ खूब मजे भी कर लिए, अब मान लो आपको इतनी छोटी स्क्रीन में नहीं खेलना, बड़े टीवी में खेलना है किसी भी होटल रूम में या अपने बेडरूम में ही सही, तो ये भी भाई ऑप्शन है। इसके साथ में हमें ये एक डॉक मिलता है जिसमें आपको पावर केबल मिलेगी साथ में और एक HDMI मिलेगी, वो आपको नॉर्मली कनेक्ट कर देनी है अपने टीवी के साथ। और कनेक्ट करने के लिए ना सबसे पहला काम है इन दोनों को बाहर निकालना, जिसके लिए ये छोटा सा बटन दे रखा है, इसको प्रेस करके आप स्लाइड कर दो ऊपर, सेम यहाँ पर बटन है इसको प्रेस करके स्लाइड कर दो, तो ये निकल गए हैं। उसके बाद इसके साथ जो डॉक मिलता है उसमें आपको इस तरह से इसको फिट कर देना, जैसे ही आप फिट करोगे यहाँ पर ये देखो चार्जिंग का ऑप्शन आ गया ना, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। थर्ड चीज बॉक्स में ही आपको एक ये कंट्रोलर मिलेगा, इसमें आपको ये वाले जो निकाल लेते ना सॉरी ये वापस से लगा देना इस तरह से स्लाइड करके, एक लग गया और ये लग गया यहाँ पे हमारा दूसरा भी, तो यहाँ देखो लाइट आ गई ना, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। तो अब ये जैसे प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स का कंट्रोलर होता है ना, उसी तरह से ये एक्सटर्नल वायरलेस कंट्रोलर बन गया हमारा मस्त। HDMI मोड सेलेक्ट है, सिर्फ आपको निंटेंडो का ऑन बटन दबाना है, यहाँ पर आपको एक ग्रीन सी लाइट मिल जाएगी, ये देखो जैसे ये ऑन होगा यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल गई है। अब आप मस्त दूर से बेड पे लेट के सोफे पे बैठ के गेम्स के मजे ले सकते हो, ये देख सकते हो सारी गेमें जितनी भी इंस्टॉल थी वो सब इसमें आ गई है। अब इसमें से मान लो मैं यही चला देता हूँ, ये देखो भाई सैन एंड्रियास हमारी बड़ी स्क्रीन में चल गई है मजेदार, और ग्राफिक्स इतने तगड़े लग रहे हैं ना इसमें खेलने में। अभी तो ये छोटा टीवी है और 720p वाला है, आपके पास अगर 4K टीवी है उसमें भी आप लगा के मस्त गेमिंग कर सकते हो टीवी में भी। तो भाई मैं तो मजे करता हूँ फटाफट से अपने निंटेंडो के साथ यहाँ पर ट्रैवल करते करते। आपको कैसी लगी वीडियो, या इसी तरह का और कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और साथ ही साथ 10,000 लाइक का एम रखा हुआ है, आई नो आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। साथ ही साथ वाव का उपटन बेदिंग बार का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से जाके आप खरीद सकते हो। मिलता हूं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेल देम गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।